जब भी आप टेंडर को पूरी तरीके से फिल कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे वो टेंडर नहीं दिखता, यहाँ से चला जाता है, ये सीधा नीचे आ जाएगा माई एक्टिव बिड में दिखना चाहिए। अभी इस टेंडर को आप फिर से रीसबमिट करना चाहते हो तो कर सकते हो, मुझे टेंडर को चेंज करना है, डॉक्यूमेंट्स बदलना है या रेट में बदलना है, मुझे इस टेंडर का रेट बदलना है तो मैं बदल सकता हूँ। ये टेंडर का रेट है, मुझे फिर से इस टेंडर का रेट बदलना है, मुझे लग रहा है कि नहीं मैंने रेट गलत डाल दिया, कभी भी बदल सकता हूँ टेंडर के क्लोजिंग से पहले, या डॉक्यूमेंट्स बदलना है टेक्निकल तो भी बदल सकता हूँ, मुझे लग रहा है ये 650 रेट नहीं होना चाहिए था, ये रेट कम होना चाहिए था। चलो ये रेट अपना कम होना चाहिए था, मान लो ये 12 रुपया है, ये 78 है, ये रेट हमारा थोड़ा कम होना चाहिए। डाल दिया हम लोगों ने तो सेव कर, अभी रेट हम लोगों ने बदल दिया, देखते हैं अभी, अभी हम लोगों ने 2 करोड़ में टेंडर डाला, पहले ज्यादा डाल रहे थे, सेव कर देता हूँ, कंटिन्यू, इसको हम बीओक्यू बदलना चाहते हैं, एक बार टेंडर सबमिट करने के बाद तो भर सकते हैं, यहाँ से रीसबमिट या विड्रॉल, तो रीसबमिट भी कर सकते हैं या टेंडर को विड्रॉल कर सकते, तो पहले रीसबमिट दिखाता हूँ फिर विड्रॉल दिखाता हूँ, रीसबमिट, ठीक है, तो रीसबमिट करना है मुझे अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स को, रीसबमिट कौन सा, टेक्निकल या फाइनेंस, टेक्निकल नहीं फाइनेंस का मुझे बताना, फाइनेंस टेक्निकल में डॉक्यूमेंट्स बदलना है तो डॉक्यूमेंट्स भी बदल सकते हो, कितनी बार भी बदल सकते हो, पर टेंडर के लास्ट डेट से पहले तक, लास्ट डेट के बाद भी। रन, तो आ जाएगा यहाँ, आ गया फिर से, फिर से नया वाला फाइल अपलोड कर दो, जो आप आपका रेट अपडेटेड रेट होगा अभी वो रेट अपडेट हो जाएगा, टेंडर केमिकल हम लोगों ने बीओके में चेंज कर दिया है रेट, प्रिस्क्रिप्शन वर्क, और ये अभी फिर से ये पहला डॉक्यूमेंट्स हो गया, तो फिर से ये थोड़ा टाइम लेगा, हो गया अपलोड, अब इसको साइन इन अपलोड, रेट मेरा अपडेटेड हो जाएगा यहाँ पे, पिन डीएससी का, ओके हो गया सबमिट और फ्रीज बिड, कैसे कर देंगे ये सबमिट और फ्रीज बिड, फिर से सबमिट हो गया, फिर से जाओ माय एक्टिव बिड में, ये टेंडर मेरा फिर से रीसबमिट हो गया, बिड सबमिशन जो था मेरा पहले डेट अलग टाइमिंग अलग था, अभी 8-10 का टाइम, अभी का टाइम जो मैंने सबमिट कर दिया, और क्लोजिंग कब तक हम इस टेंडर को भर सकते हैं, कल को 14 मार्च को 6 बजे तक ये टेंडर को हम लोग भर सकते हैं, मतलब कितनी बार भी मैं इसको रीसबमिट कर सकता हूँ, पर मुझे लग रहा है कि टेंडर हम लोगों ने भर दिया पर मुझे नहीं भरना चाहिए पर मैंने गलती से भर दिया, तो मैं इस टेंडर को विड्रॉल भी कर सकता हूँ, कब तक कर सकता हूँ 14 मार्च को 6 बजे तक इस टेंडर को विड्रॉल भी कर सकता हूँ, मतलब ये टेंडर से मैं बाहर होना चाहता हूँ, तो बाहर हो सकता, कैसे करना है
फिर से रिसबमिट और विड्रॉल पे क्लिक करो, मैंने ये टेंडर गलती से भर दिया था, मुझे विड्रॉल करना है, तो विड्रॉल। रीजन देना पड़ेगा आप विड्रॉल क्यों करना चाह रहे हो, मेरे पास फंड का प्रॉब्लम है तो मैं विड्रॉल करना चाहता हूँ, मेरे पास आगे इतना फंड नहीं है कि मैं इस काम को कर पाऊँ, फंड ओके। यदि मैंने इसको विड्रॉल कर लिया तो मैं फिर से, यदि फिर लगा मुझे कभी भी ये टेंडर भरना है तो मैं ये टेंडर भर नहीं सकता, साफ साफ लिख दिया। तो आपको एक लेटर आपके लेटर हेड पे एक लेटर भी आपको अटैच करके यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा आपको रीजन का। तो मैं डाल देता हूँ फाइल एक, तो इसको स्कैन एंड साइन पे क्लिक करिए, डीएससी के साथ ये साइन होगा। पिन डीएससी का ओके, ये फाइल साइन सक्सेसफुल हो गया, ये ऑटोमेटिकली डिजेबल हो गया, डिजेबल हो गया मतलब साइन हो गया। इफ यू विड्रॉल द बिड यू कैन सबमिट अगेन ऑफ दिस बिड पर्टिकुलर टेंडर, ये टेंडर को आप फिर से भर नहीं सकते ओके, फिर से भरना नहीं चाहता हूँ, ये टेंडर अब विड्रॉल, ये मेरा विड्रॉल हो चुका। तो माय एक्टिव बिड्स फिर से आता हूँ, अभी माय एक्टिव बिड्स में देखेंगे तो मेरा कोई भी टेंडर नहीं क्योंकि मैंने ये टेंडर को विड्रॉल कर दिया, नहीं तो ये टेंडर मेरा यहीं पर रहता था जब तक ये टेंडर का लास्ट डेट खत्म नहीं। अभी टेंडर कहाँ चला गया, माय विड्रॉल बिड्स, टेंडर विड्रॉल किया हूँ, ये टेंडर आपको यहाँ देखना चाहता हूँ। अब ये टेंडर को मैं फिर से नहीं भर सकता, अब यदि ये टेंडर को मैं फिर से भरना चाहता हूँ कॉपी करूंगा सर्च में तो मुझे ये टेंडर नहीं दिखाएगा। एक बार विड्रॉल कर लिए तो दोबारा ये टेंडर को आप फिर से, यदि आपको लगा कभी भी जब आपको भरना है कभी और आप नहीं भर सकते हो। तो ये था आपका रिसबमिट एंड विड्रॉल।